हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 29th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि नाजिया ने ओजू का हाथ काट दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके कहर से नहीं बच पाएंगे। इधर मंकी किंग का मुकाबला पीशा मैंटियान से होता है और उसे लगता है कि शायद उसने पीशा को मार डाला है। गुस्से में वो डाई शीटियान की ओर मुड़ता है, लेकिन देखता है कि पीशा एक बार फिर वापस आ गया है। वो मंकी किंग से कहता है कि तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकले और लगता है कि तुम्हें अपनी असली पावर दिखानी ही पड़ेगी। ये कहकर वो अपनी क्रैक सील एक्टिवेट करता है और मंकी किंग देखता है कि ये तो किसी तरह की क्रिस्टल बॉल है। वो उसे तोड़ने के लिए अपनी स्टिक का यूज करता है, लेकिन इससे उस बॉल पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो समझ जाता है कि ये इस तरह नहीं टूटने वाली। तभी पीशा उस पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करता है और मंकी किंग सोचता है कि वैसे तो ये देवता सच में पावरफुल है, लेकिन मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर उसने शायद पीशा को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, क्योंकि वो उसे संभलने का कोई मौका नहीं देता। और इससे पहले कि मंकी किंग कुछ सोच पाए, पीशा अपने पंच से उसे बाहर पटक देता है। यहाँ मंकी किंग हेवन की ओर देखता है, जहाँ हर तरफ तबाही फैली हुई है और डार्क सोल्स एक एक करके हेवन के सोल्जर्स को मार रही है। म्यूटियन का भी एक हाथ कट चुका है, जिससे उसकी पावर कमजोर हो गई है। और उधर सुजाकू ने भी शीगुओ का यही हाल किया है। सोल्जर उन डार्क सोल्स को मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता और ऐसा लगता है जैसे हेवन ये जंग हारने वाला है। मंकी किंग भी खुद को हेल्पलेस फील करता है और तभी हम देखते हैं कि पीछे एक बार फिर उसे मारने आ गया है। पता चलता है कि उसके अटैक पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और ये देखकर मंकी किंग अपनी स्टिक का यूज करता है, लेकिन पीशा के अटैक से वो भी उसके हाथ से छूट जाती है और पीशा उसे गले से पकड़ लेता है। वो उसे अपनी लाइफ से अलविदा बोलने को कहता है और ऐसा लगता है जैसे मंकी किंग का खेल अब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी हम पीछे से तीर को आते हुए देखते हैं, जो पीशा के शरीर के आर पार हो जाता है। पीशा मुड़कर अपने अटैकर को देखने की कोशिश करता है और तभी कुछ और तीर उसके शरीर को छलनी कर देते हैं और वो उस छत से नीचे गिर जाता है। यही हाल उन डार्क सोल्स का भी होता है, जो एक एक करके उन तीरों का शिकार होने लगती हैं और डाई शीटियान को समझ नहीं आता कि आखिर अब ये कौन आ पहुंचा है। तभी आसमान से आई गोल्डन लाइट वहाँ एक रोड बनाने लगती है और पता चलता है कि उनके मदद करने जनरल येन यहाँ आ गया है। सोल्जर्स भी उसे देखकर जोश में आ जाते हैं और येन कहता है कि सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन अब ये मुझसे नहीं बच सकते। मंकी किंग भी उसके आने से रिलैक्स फील करता है, लेकिन वहाँ डाई शीटियान के चेहरे पर तो 12 बजे हुए थे और साउथ किंग उससे पूछता है कि इसे तो हमने फ्लोटिंग प्रिजन के साथ दूर भेज दिया था, तो ये भला वापस कैसे आ गया। इस पर येन कहता है कि अभी तो तुम्हें और भी सरप्राइज मिलने वाला है। और तभी हम उसके पीछे से एक आर्मी को आते हुए देखते हैं। बाकी देवता देखते हैं कि ये तो उनके पुराने साथी हैं, जिन्हें डार्क सोल्स होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया था। और पता चलता है कि ये सब ग्वान की ही चाल थी। ग्वान उन्हें बताता है कि ट्रस्ट बहुत ही पावरफुल क्वालिटी है, जो हर किसी में नहीं पाई जाती, और इसीलिए उसने येन पर भरोसा किया, क्योंकि वो जानता था कि येन डार्क सोल्स के वश में नहीं आने वाला। डाई शीटियान उसकी चालाकी की तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला, और ये कहकर वो डार्क सोल्स को उन पर अटैक करने को बोलता है। येन और उसकी आर्मी उन डार्क सोल्स का मुकाबला करने लगती है और मंकी किंग भी उनकी मदद करने आता है। यही हम डार्क सोल्स के उस नकाबपोश को देखते हैं, जो येन को सिंगल बैटल के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि दोबारा तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। फिर वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और येन देखता है कि ये तो जरूरत से ज्यादा ही फास्ट है और इस तरह वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये सोचकर वो अपने स्पेयर का यूज करता है, लेकिन इससे भी उस नकाबपोश का कुछ नहीं बिगड़ता और नकाबपोश कहता है कि तुम तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। वो उसे याद दिलाता है कि जनरल बनने के लिए हम 12 लोगों ने ट्राई किया था, जिसमें से सिर्फ तुम ही जिंदा बच पाए और डाई शीटियान ने तुम्हें हेवन का जनरल बना दिया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ और यहाँ तुम्हारी पोजीशन लेने आया हूँ। येन भी उसे पहचान जाता है कि ये तो मेरा दोस्त युआन है, जो मेरे साथ जनरल का ऑडिशन देने आया था, लेकिन नसुरों के साथ लड़ाई में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इधर युआन अचानक से उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं अपना हक वापस लेने आया हूँ और उसके लिए मुझे तुम्हें नरक में भेजना होगा। यहाँ से सीन चेंज होकर डेथ वैली में आता है, जहाँ नाजिया उन लोगों को खत्म करने पर तुला हुआ है।
वो उसू से कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और धीरे धीरे ये दर्द तुम्हारी जान ले लेगा। जैंग ओजू की मदद करने आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस पर ओजू कहता है कि मेरा आधा शरीर बेकार हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब तुम मुझे बचा सकते हो। लेकिन जैंग हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था और बाजी और सैंडी से नाजिया को रोकने को बोलता है। सैंडी रेत में फंसाकर नाजिया पर अटैक करने जाता है, लेकिन देखता है कि उसने आसपास एक शील्ड बना ली है और नाजिया एक ही झटके में उसके स्पेल को तोड़ देता है। इससे सैंडी का मास्क उससे अलग हो जाता है और नाजिया रेत की तरह उसे भी हवा में उड़ा देता है। बाजी भी मौका देखकर पीछे से अटैक करता है, लेकिन देखता है कि नाजिया तो वहाँ से गायब हो चुका है। तभी उसकी नजर आसमान में जाती है और उसके संभलने से पहले ही नाजिया आइस ब्लेड से उसे फ्रीज कर देता है। फिर वो उड़ता हुआ सीधा जैंग के पास आता है और कहता है कि तुम जैसे मोर्टल्स को तो मेरी पूजा करनी चाहिए। लेकिन जैंग कहता है कि इस धरती पर तो हजारों मोर्टल्स हैं और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारा पाला मुझसे पड़ गया। नाजिया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर से जैंग और ओजू पर अटैक करने लगता है। जैंग सोचता है कि वैसे तो मेरा हर्ट सूत्रा किसी भी मॉन्स्टर को रोक सकता है, लेकिन ड्रैगन्स पर उसका कोई असर नहीं होता और खासकर नाजिया जैसे प्राचीन ड्रैगन पर। नाजिया भी ये बात अच्छे से जानता है और कहता है कि मेरे सामने तो असुर और देवता भी नहीं टिक पाए, तो तुम जैसे मोर्टल्स की भला क्या औकात है, और ये गलती तुम्हें अपनी जान देकर सुधारनी होगी। तभी हम देखते हैं कि बाजी ने खुद को डीफ्रीज कर लिया है और उधर सैंडी भी अपने रूप में वापस आ गया है। जैंग उन्हें लेकर नाजिया का फिर से मुकाबला करने जाता है, लेकिन वो सब उसकी इलेक्ट्रिक पावर के आगे नहीं टिक पाते और रूजी ये देखकर डर जाती है कि शायद उसका सपना सच होने वाला है और अब वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। ओजू भी इस अटैक से उछलकर दूर जा गिरता है और सोचता है कि काश वो अपने दोस्तों की कोई मदद कर पाता। तभी उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और जागने पर वो देखता है कि शोव वहाँ उसे मिलने आया है, जो उजी का भाई और उसका पुराना दोस्त है। ओजू को लगता है कि शायद वो मरकर हेवन में आ पहुँचा है और इस पर शोव कहता है कि इससे भला तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी तुम्हारी वजह से दूसरे लोग परेशान हैं। ओजू को रियलाइज होता है कि जैंग और बाकी लोग उसकी वजह से मुसीबत में हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं इस हालत में उनकी क्या मदद कर सकता हूँ। तब शोव कहता है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही हैं, तो उठो और अपने दोस्तों की मदद करने जाओ ताकि बाद में इसके लिए तुम्हें पछताना ना पड़े। ओजू उठने की खूब कोशिश करता है, लेकिन कहता है कि मैं तो अपने आप उठ भी नहीं सकता। तब शोव उसे बताता है कि शुरू से ही तुम्हारा यही एटीट्यूड है और इसीलिए तुम्हें हेल्प मांगने की आदत पड़ गई है। फिर वो हाथ पकड़कर ओजू को ऊपर उठाता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रहा हूँ। ओजू यहाँ आने के लिए उसका थैंक्स बोलता है और इस पर शोव कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि तुमसे बढ़कर मेरा कोई दोस्त नहीं है। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ ओजू अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया है। फिर वो ओलिंग की सोल को आजाद कर देता है और कहता है कि अब मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। आगे वो नाजिया की ओर देखता है, जो जैंग और उसके साथियों पर कहर बरसा रहा है और उनके किसी भी अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। तभी नाजिया जैंग को पकड़ लेता है और ओजू गुस्से में उसे कहता है कि तुम मेरे मास्टर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर वो अपनी थंडर पावर एक्टिवेट करता है और इससे पहले कि नाजिया जैंग को छू पाए, ओजू उसे उछालकर दूर फेंक देता है। जैंग भी ओजू को देखकर रिलैक्स फील करता है और हम देखते हैं कि ओजू के खून से नाजिया पर हथौड़े की तरह पड़ने लगे हैं। नाजिया भी अचानक हुए इस अटैक से हड़बड़ा जाता है और काउंटर करने के लिए अपनी प्लाज्मा बॉल का यूज करता है, लेकिन ओजू का कॉन्फिडेंस तो सातवें आसमान पर था, जिसके सामने वो बॉल नहीं टिक पाती। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।